क्या नाम है आपका? रानी। रानी कहाँ रहती हैं आप? नैनी क्लास मोहल्ला मसरूरगंज। आइए, जमीयत उलमा हिंदगी जो लोग आए हुए, किस तरीके की मदद आपको मिली गई उनके और क्या मामला था? जमीयत उलमा हिंदगी मौलाना ने हमारे पैसे से भी मदद करी है और हमारे शौहर जो शहीद हुए थे शफीक उनके लिए भी बोला है उन्होंने कि हम उनके लिए भी। देखिए, जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान की बहुत पुरानी तंजीम है जिसको 100 साल हो चुके हैं। 1919 में इसका क़याम हुआ था। जमीयत उलमा हिंद बहुत सारे फलाही और रिफाही काम करती है और इंसानियत के नाते काम करती है, मज़हब के आधार पर काम नहीं करती है। अभी जो CAA का विरोध जो पूरे मुल्क में चल रहा है, तो गुज़श्ता 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर में जो विरोध हुआ था उसमें पूरे मुल्क में कई जगह लोग शहीद हुए थे, तो जमीयत उलमा हिंद सबके वरसा को 1-1 लाख रुपए का तावन कर रही है। अब ये इंसान का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कुछ उसका जो है ताज़ियत हो जाती है और कुछ माली राहत मिल जाती है उसको और सुकून मिल जाता है। तो जमीयत उलमा हिंद ये भी मज़हब के आधार पर नहीं कर रही है बल्कि इसको सबके। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीनुल हक उसामा कासमी, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, किस तरह की मीटिंग आपने वहाँ रखी? वो 20 दिसंबर को यहाँ एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, उसमें कुछ बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्हीं के सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद ने कुछ उनकी माली मदद और कानूनी मदद हालात का जायज़ा लेने के लिए कि किस तरह शहीद हुए, किन लोगों ने उनको मारा, क्या उनके कानूनी पैरवी हो रही है, किस तरह से उनकी मदद हो रही है, इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद से मौलाना हकीमुद्दीन साहब का आदमी सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद और मौलाना जमाल साहब और दीगर लोग यहाँ आए हैं, उसी सिलसिले में लोगों को जमा किया था माली तावन और कानूनी मदद उनकी करने के लिए। किस तरह की मदद? मतलब माली एतबार से कुछ रकम उनको घर वालों को, हालांकि किसी जाने वाले का बदल रकम नहीं होती, लेकिन कुछ रकम और उसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए का चेक, जितने 7 लोग यहाँ शहीद हुए जिनकी हमको रकम मिली उनके घर वालों को 1-1 लाख रुपए का चेक मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और कानूनी एतबार से उनकी क्या मदद हो सकती है वकीलों से मशवरा करके उनको पूरी कानूनी मदद उनकी दी जाएगी। अभी जो मार्केट में अंदर ये आया कि FIR जो हुई है कुछ लड़कों की, कुछ बेगुनाह लड़कों की लिस्ट भी अभी